बुलंदशहर के अनुपशहर कोतवाली क्षेत्र के पगोना गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब गांव में स्थित शिव मंदिर परिसर में संतों के कमरे में दो साधुओं के खून से लथपथ शव पड़े मिले। दोनों साधुओं की डंडे से पीट पीट कर निर्मम हत्या की गई है। घटना के बाद बुलंदशहर एसएसपी और डीएम समेत पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की बारीकी से जांच की। पुलिस की प्रथम जांच में इस हत्या में गांव के ही नशेड़ी युवक मुरारी का नाम सामने आया है जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बुलंदशहर एसएसपी और डीएम का दावा है कि हिरासत में लिया गया मुरारी लंबे समय से भांग के नशे का आदी है। ये पगौना गांव जो अनुपशहर थाना क्षेत्र में स्थित है, यहाँ पर दो बाबा एक मंदिर है जिसमें जगदीश शर्मा और शेर सिंह नाम के दो बाबा रहते थे और इसी मंदिर पर भी गांव का ही एक व्यक्ति है जिसका नाम मुरारी उर्फ राजू है जो आता जाता था, भुंगेड़ी है, बहुत ज़्यादा भांग पीने का आदि रहा है। दो तीन दिन पहले बाबा का चिमटा इसके द्वारा गायब कर दिया गया था जिसमें बाबा लोगों ने बुला करके इसके साथ डांट पिलाई थी। उस आधार पर कुछ बातें इसके दिमाग में रही होंगी जिसके आधार पर इसके द्वारा आज सुबह किसी समय आकर के तलवार से उन दोनों बाबाओं की हत्या कर दी गई। बाद में गांव के लोगों ने इसको गांव से बाहर तलवार लिए हुए जाते हुए देखा गया था। उस आधार पर इसकी तलाश की गई, गांव से 2 किलोमीटर दूर नशे की हालत में अर्धनग्न अवस्था में मिला है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है, मौके पर मैं मौजूद हूँ। कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है, फिलहाल ये नशे अभियुक्त नशे की हालत में है और अर्धनग्न है तो उससे पूछताछ का प्रयास किया जा रहा है। और आरोपी पर दो दिन पहले बाबा का चिमटा चुराने का भी आरोप लगा था। आरोप है कि इसी बात को लेकर मृतक साधुओं और हत्यारोपी मुरारी के बीच कहासुनी हो गई थी जिसमें हत्यारोपी मुरारी ने दोनों साधुओं को भुगत लेने की धमकी भी दी थी। इस हत्याकांड के बाद आनन फानन में बुलंदशहर एसएसपी और डीएम ने एक प्रेस वार्ता कर दावा किया कि आरोपी ने दोनों साधुओं की डंडे से पीट पीट कर हत्या की है जबकि हत्यारोपी पुलिस हिरासत में है और आरोपी अभी भी नशे की हालत में है। फिलहाल दोनों संतों के शवों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है जबकि घटनास्थल की फॉरेंसिक जांच भी कराई जा चुकी है। बुलंदशहर पुलिस के आला अधिकारी आरोपी मुरारी से पूछताछ में जुटे हैं। प्रेस वार्ता में डीएम द्वारा हत्यारोपी मुरारी से पूछताछ के बाद ये खुलासा किया गया है। देखिए, आरोपी अरेस्टेड है, अभी हम लोग अनुपशहर थाने में बैठे हुए हैं। आरोपी से पूछताछ की गई, आरोपी ने बताया कि भगवान की इच्छा थी, मतलब कोई प्रश्न रंजिश नहीं था। ये पूछा गया कि कैसे मारा, उसने बताया कि भांग खाने के बाद वो मंदिर में आया, वहाँ बाबा की डंडे पड़े थे, लाठी, उससे उसने मारा है। और इसको पकड़ने में गांव वालों का बहुत सहयोग रहा है, हमें लगता है गांव वाले असलियत को समझते हैं इसलिए उन्होंने सहयोग किया है और यही कारण है कि मौके पर कानून व्यवस्था की कोई ऐसी समस्या नहीं है। और देखिए, चिमटे की बात आ रही है लेकिन अभी आरोपी का इंटरव्यू लिया गया, अभी भी पूरी तरह नशे में धुत था और नशे में धुत व्यक्ति जो ये बता रहा हो कि भगवान की इच्छा थी तो फिर वजह बाद में इन्वेस्टिगेशन होगा जो वजह आएगी। अभी तो इसने यही बताया कि भगवान की इच्छा थी, इनका आपसी कोई ऐसा रंजिश नहीं था। देखिए, हम और एसएसपी साहब बैठे हैं, हम दोनों ने उनसे पूछा, हमने उनसे ये भी पूछा कि लोग बता रहे हैं कि तलवार से हत्या हुई है, तो उन्होंने यही बताया कि आप देख लो, अगर तलवार से होती तो कहीं कटे का निशान होता। तो पूछवाया भी गया, कहीं कटे का ऐसा निशान नहीं बताया जा रहा है। उसने बताया कि बाबा का डंडा वही पड़ा था, लाठी, उसी से सिर पर मार थी उसने हत्या की। हत्याकांड की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे डीएम और एसएसपी ने बारीकी से जांच की और आरोपी से पूछताछ में ये सामने आया कि उसने तलवार से नहीं बल्कि डंडों से पीट पीट कर दोनों साधुओं की हत्या की थी। हत्यारोपी पर आरोप है कि दो दिन पहले उसने साधुओं का चिमटा भी चुराया था जिसके ऊपर मनमुटाव हो गया था और उसने उन्हें भुगत लेने की धमकी भी दी थी। फिलहाल मौके पर पहुँचे आला अधिकारियों ने
दोनों मृतकों के शवों का पंचनामा भर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि हत्या आरोपी नशेड़ी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कैमरा पर्सन शमसुद्दीन सैफी के साथ हामिद सैफी, Time 24 न्यूज़, बुलंदशहर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।